फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज इन शॉर्ट पेपर 2 के लिए सीटेट का, साइंस का। ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चे सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज इन शॉर्ट का आज का पहला क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अबाउट लैंड ब्रिज एंड द सी ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिज क्या होता है और विंड क्या होता है। तो आप विंड वर्ड सुने होंगे, व्हाट इज विंड, विंड क्या होता है, विंड इसको कहते हैं हम लोग, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब क्वेश्चन आता है विंड किसको कहते हैं, विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और ये दूसरा वर्ड है यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज किसको बोलते हैं, ब्रिज का मतलब होता है मंद पवन, यानी जो स्लो मूविंग एयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, यानी जेंटल, ठीक है, जेंटल जो विंड होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। जेंटल विंड को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। जो हवाएं धीरे धीरे मंद गति से चलती है वो कहलाती है ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इस जो प्रोसेस होता है कंप्लीट में प्रोसेस, इसमें एक वर्ड जो होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है, कन्वेक्शन जो वर्ड है आप यहाँ पे देख रहे हो, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर, किसमें, फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। हीट ट्रांसफर, हीट का स्थानांतरण जो फ्लूइड यानी लिक्विड में होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस से ही हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड में, फ्लूइड में वाटर और गैस मिलके बनता है फ्लूइड। तो अब हम देखते हैं कि कन्वेक्शन का जो होता है कोस्टलाइन एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कोस्टल एरिया देखते हो, वो समुद्री इलाके, वहां का टेम्परेचर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना वहां ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो उसी के पीछे ये कन्वेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो मेन रोल प्ले करता है, एक विंड करंट फॉर्म करता है, ठीक है, एक विंड पैटर्न सेटअप करता है, उसी विंड पैटर्न को हम बोलते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है। तो आप देखते होंगे कोस्टलाइन एरिया में क्या होता है, कोस्टल एरिया में आप यहाँ पे देखो, कोस्टल एरिया में क्या होता है, दिन के समय में जो होता है, डे टाइम में, कोस्टल एरिया में डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो है वो लैंड क्या होता है, हीट होता है फास्ट, हीट क्या, लैंड जो होता है हीट फास्ट होता है, और नाइट के टाइम में क्या होता है, कूल भी उतना ही फास्ट होता है, कूल जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। डे टाइम में कोस्टल एरिया में जो लैंड एरिया होता है, ठीक है, लैंड मासेस जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, और रात के समय में ये जल्दी ठंडा भी होता है। लेकिन वाटर बॉडीज जो होता है कोस्टल एरिया में, वाटर बॉडीज जो होता है लाइक सी एंड ओशियन, ठीक है, सी एंड ओशियन क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है, लैंड जो होता है आप देख रहे हो, दिन के समय में लैंड क्या होता है, हीट फास्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर बॉडी क्या हो गया, स्लो हुआ, हीट जो होता है डे टाइम में स्लो हीट होता है क्या, वाटर बॉडीज, और रात के समय में भी ये क्या होता है, ठंडा लेट से होता है, कूल भी क्या होता है, क्या होता है, स्लोली होता है। तो ये अगर आप याद रखते हो वर्ड तो आप इसको इजिली समझ सकते हो कि कोस्टल एरिया में जो होता है वो क्या होता है, दिन के समय में जो लैंड मासेस होता है वो हीट फास्ट होता है,
और रात के समय में ये ठंडा भी जल्दी होता है। और यहाँ पे वाटर बॉडीज में क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो होते हैं दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में ये क्या होता है लेट से हीट होता है, यानी लेट से नहीं, इसको हीट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, यानी स्लोली हीट होता है, और ठंडा होने में भी इसको टाइम लगता है। ठीक है, तो आप तुलना करोगे तो देखोगे कि लैंड दिन में जल्दी गर्म होगा और पानी जो होगा वो क्या होगा धीरे धीरे गर्म होगा। रात के समय में क्या होगा, लैंड जो होगा वो जल्दी ठंडा होगा, लेकिन वाटर बॉडी सी और ओशियन को ठंडा होने में क्या लगेगा, इसके तुलना में ज्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, तो ये जो देख रहे हो जमीन जल्दी ठंडा हो रहा है, वाटर बॉडी स्लो ठंडा हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है और वही टेम्परेचर ग्रेडियंट एक विंड पैटर्न फॉर्म करता है, और वो जो विंड पैटर्न होगा दैट इज योर सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, इसको अब हम समझते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। आगे हम देखते हैं, अब समझते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्या है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज समुद्री हवाएं, सी ब्रिज क्या होता है, ये किधर देखने को मिलती है, कोस्टलाइन एरिया में। कोस्टलाइन एरिया का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी। सो यहाँ पे हम देखते हैं सी ब्रिज, सी ब्रिज किसको कहते हैं, ब्लोइंग ब्रिज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। तो वो हवाएं जो समुद्र से किधर चलेंगी, लैंड की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। तो सी ब्रिज सी से किधर चलेंगी, लैंड की तरफ, कि वो हवाएं होंगी जो समुद्र से जमीन की तरफ यानी लैंड की तरफ चलेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है कब होता है, डे टाइम में। ये जो प्रोसेस होता है कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग डे। आप याद रखना कि सी ब्रिज किसको बोलता है, ग्लोइंग अप ब्रिज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। कब होगा ये प्रोसेस, दिन में। तो अभी हमने पढ़ा दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, लैंड जो होता है हीट क्या होता है, हीट अप फास्टर। लैंड क्या होता है, हीट अप फास्टर देन व्हाट, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में, वाटर बॉडीज में ओशियन या सी के तुलना में जो होता है वो जमीन क्या होता है, ज्यादा जल्दी गर्म होता है। तो जब जमीन, सपोज ये आपका क्या है, लैंड है, ठीक है, और यहीं पे क्या है, थोड़ा सा ये लैंड है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, वाटर बॉडीज। ये आप देख लो, ये लैंड है और यहाँ पे पास में ही कोई तालाब है या कुछ भी है, तो ये आपका क्या है, लैंड वाला पोर्शन है, और ये क्या है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, ये हमारा वाटर बॉडी है, कुछ भी सी बोल लेते हैं या फिर ओशन। तो यहाँ होता है क्या, अब आप इसको समझो, ये हमारा कौन सा एरिया है, लैंड एरिया। तो लैंड क्या होता है, हीट क्या होता है, फास्ट होता है। ये जो है क्या है, जल्दी गर्म होता है। तो ये जो होता है हीट क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो जब ये एक बार हीट हो जाता है तो आपको पता है जमीन के पास वाली जो हवाएं होंगी वो क्या हो जाएगी, गर्म होंगी। इधर का एयर क्या हो जाएगा, पूरा गर्म होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि वार्म एयर, गर्म हवा क्या होता है, हल्का होता है। वार्म एयर क्या होता है, वार्म एयर लाइटर होता है, लाइटर होता है। ठीक है, और कूल एयर कैसा होता है, हेवी होता है। ठीक है, तो गर्म हवा जो होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, और ठंडा हवा क्या होता है, भारी होता है। तो अब यहाँ का जो जमीन है ये क्या हो गया, लैंड जो गर्म हो गया, तो ये हवाएं क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। ये दो हवा है आपके पास, ये है वार्म एयर और ये है कूल एयर। तो वार्म एयर क्या होता है, जल्दी ऊपर उठता है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये पोर्शन को समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं क्या होती है, इस स्पेस को फिल करती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हीट क्या होता है, लैंड फास्ट हो रहा है, वाटर बॉडीज क्या होता है, स्लो हीट होता है। ठीक है, ये फास्ट हीट होता है और वाटर बॉडीज क्या होता है, स्लो हीट होता है। तो जब स्लो हीट हो रहा है तो यहाँ का एयर कैसा होगा, हेवी होगा,
और यहाँ का एयर कैसा होगा, कैसा होगा, लाइट होगा, और जब लाइट होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ उठ गया तो यहाँ का स्पेस क्या है, खाली है। तो इस केस में क्या होगा, समुद्र की तरफ से हवा जो है वो इस स्पेस को क्या करेगी, आगे फिल करेगी। तो यही होता है आपका सी ब्रिज। सी ब्रिज क्यों, क्योंकि हवा सी से, समुद्र से किधर आता है, लैंड की तरफ, ठीक है। सी ब्रिज कहते हैं इसीलिए क्योंकि सी से एयर किधर आता है, लैंड की तरफ। ये प्रोसेस कब होता है, डे टाइम में होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझो आप, ये क्या है, लैंड एरिया है, और ये क्या, वाटर बॉडीज है। तो लैंड का जो होता है वो डे टाइम में फास्ट गर्म होता है। जब फास्ट गर्म होगा तो इधर की हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो इधर का हवा ऊपर उठता, डायरेक्ट गर्म हवा, तो ये इधर का ठंडा हवा। समुद्र क्या होता है, या फिर ये दिन में लेट से गर्म होता है। तो ये जो कोल्ड लेयर होगा यहाँ का, वो इस प्लेस को क्या करेगा, फिलअप करेगा। ये गर्म हवा होगी, उठेगी, और इधर का ठंडा हवा क्या होगा, इधर आके फिल करता जाएगा। वार्म एयर बार बार ऊपर उठेगा, इधर का कोल्ड एयर इस प्लेस को फिल करता जाएगा। तो ये था हमारा सी ब्रिज। अब हम समझते हैं कि लैंड ब्रिज क्या होता है। तो लैंड ब्रिज आप देख रहे हो, ग्लोइंग एयर ब्रिज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी। तो हवा किधर से किधर चलेगी, लैंड से लेके सी के तरफ। तो आप याद रखना, लैंड से किधर जाएगा एयर, सी के तरफ। तो ये प्रोसेस कब होता है, ड्यूरिंग नाइट। ये जो प्रोसेस होता है कब होता है, ड्यूरिंग नाइट। तो रात के टाइम ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है सी ब्रिज के तुलना में। तो होता क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं कि रात के समय में, हमने इससे पहले मैंने आपको बताया कि रात के समय में लैंड क्या होता है, रात के समय में लैंड क्या होगा, कूल होगा फास्टर, और वाटर क्या होगा, इसको ठंडा होने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है वाटर। लेकिन लैंड क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। तो रात के समय में, दिन में जल्दी गर्म, तो रात के समय में जल्दी ठंडा, और वाटर स्लोली गर्म दिन में और स्लोली ठंडा रात में। तो अब इस केस में होता क्या है, सपोज ये आपका क्या है, लैंड एरिया है और ये वाटर बॉडीज है। ये लैंड एरिया और ये क्या है, कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है। ये आपका सी है, ये आपका लैंड है। तो लैंड और सी में होता क्या है, तो आप देख रहे हो ये आपका लैंड क्या हो गया, ठंडा जल्दी हो गया। ये लैंड क्या हो गया, ठंडा जो होता है वो जल्दी होता है। लैंड ठंडा जल्दी हो गया, समुद्र क्या होता है, कूल कैसे होता है, स्लोली होता है, इसको ठंडा होने में टाइम लगता है, और ये क्या होता है, कूल होता है फास्टर। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, जब ये ठंडा हो गया तो यहाँ की हवा क्या है, ठंडी है, हल्की है, ठीक है, ठंडी है और भारी है, सॉरी। एयर क्या होगा, जहाँ पे कूल होगा वहां का एयर हैवी होगा, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ठंडा ही हो रहा है, ये ठंडा नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस में यहाँ का जो एरिया का हवा है वो क्या होगा, क्या होगा, गर्म होगा। और जब हवा क्या होगा, एयर जब क्या होता है, वार्म होता है, वो क्या होता है, लाइटर वेट होता है, और वो ऊपर की तरफ उठता है। तो जब ये हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इधर क्या है, कूल एयर है, कूल एयर है, तो कूल एयर कैसा होता है, हैवी होता है, ठीक है। तो यहाँ की हवा ठंडी है, तो इधर से, ठीक है, यहाँ का कूल एयर इसके तरफ मूव करके समुद्र की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हवा किधर से चल रही है, लैंड से सी की तरफ चल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। लैंड में होता क्या है, लैंड रात के समय में जल्दी ठंडा होता है, सी स्लोली ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा ही हो रहा है तो यहाँ का हवा क्या होगा, गर्म होगा। वार्म एयर हल्का होता है इसीलिए ऊपर उठेगा। तो ये स्पेस को कौन फिल करेगा, यहाँ का जो कूल एयर है वो इस स्पेस को फिल अप करता है। तो ये होता है लैंड ब्रिज, ठीक है। लैंड आप याद नाम से ही रख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, लैंड ब्रिज तो लैंड याद रखिए, लैंड से किधर जाएगा, सी की तरफ। सी ब्रिज, सी से किधर जाएगा ये हवा, लैंड की तरफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप याद रखिए इसको डायग्राम की हेल्प से,
ठीक है। और वार्म एयर क्या होता है, जल्दी वार्म एयर क्या होता है, हल्का होता है, ऊपर उठता है। कूल एयर क्या होता है, भारी होता है, इसीलिए वो क्या होता है, हैवी होता है और वो इस स्पेस को फिल अप करता है। और यही कारण है कि आपके घर में जो वेंटिलेशन आप लगाते हो रूम में, घर के रूम में, तो वो ऊपर की तरफ हम लगाते हैं, क्योंकि घर का जो गर्म हवा होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, और हवा ऊपर जाके उस वेंटिलेशन के थ्रू आपके रूम से बाहर जाता है और आपके रूम को गर्म होने से बचाता है, ठीक है। और दरवाजे हम नीचे लगाते हैं, खिड़कियां नीचे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि जो ठंडा हवा, कूल एयर क्या होता है, हैवी होता है, भारी होता है, तो वो हमारे विंडो से और डोर से रूम में एंटर कर सके और रूम को क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके रूम का टेम्परेचर। और जो गर्म हवा होगा वो ऊपर उठेगा और वेंटिलेशन से क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। सो आई होप कि ये जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करके आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक में, और हाँ, इस जो वीडियो है पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूले।